मेरे साथ है मेरी दोस्त रिया और मेरे साथ है मेरा दोस्त वंशज। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों को कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो वंशज ये बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी मदद करे। तो जो हमारी मदद नहीं करता वो सच्चा दोस्त नहीं होता। मैं तो तुम्हें समझा के थक गया, लगता है अब कहानी ही सुननी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि सच्चा दोस्त कौन है। हाँ हाँ, कहानी सुनते हैं। जंगल में सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी के पास भी शेर राजा से बात करने का समय नहीं था। शेर ने सोचा, चलो दूर सैर के लिए निकला जाए, समय भी कट जाएगा और थोड़ी ताजा हवा भी मिल जाएगी। अपनी मस्ती में शेर घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंचा। शेर ने देखा कि कोई तालाब के पानी में तैर रहा है। शेर सोचने लगा, ये कौन है जो पानी में तैर रहा है, डुबकियां मार रहा है? वैसे तो शेर को किसी से डर नहीं लगता, पर एक बार तो उसको लगा कि ये आखिर जंगल में कौन आया है। शेर आगे बढ़ा, तालाब के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा। कौन हो तुम, कौन हो तुम? मछली ने पानी में से अपना सर ऊपर उठाया और बोली, मैं जल की रानी। शेर फिर से दहाड़ा, जल की रानी? कौन जल की रानी? अरे शेर, जैसे तुम जंगल के राजा हो, मैं जल की रानी हूँ, यानी मैं हूँ मछली रानी। अच्छा, तो तुम जल की रानी हो, जैसे मैं जंगल का राजा हूँ। तो फिर क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? मछली बोली, हाँ हम दोनों दोस्त हैं। जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। शेर बोला, ठीक है तो मैं तुमसे मिलने आया करूंगा और हम खूब बातें किया करेंगे, पर याद रखना, तुमने वादा किया है कि तुम मेरी मदद करोगी। एक दिन शेर मछली से मिलने तालाब पर गया। वहां दोनों दोस्तों ने मिलकर खूब बातें की। इसी बीच मछली ने देखा कि एक शिकारी जाल लेकर शेर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मछली बोली, जंगल के राजा उधर देखो, कोई शिकारी जाल लेकर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम जल्दी से दहाड़ो जिससे शिकारी डरकर भाग जाए। इतना कहना था कि शेर ने दहाड़ना शुरू किया। और शिकारी को भगा दिया। शेर ने मछली से पूछा, तुमने कहा था कि तुम मेरी सहायता करोगी, पर क्या आज तुमने मेरी सहायता की? मछली बोली, हाँ सहायता की ना, मैं पानी से बाहर आती तो मर जाती, इसलिए मैंने तुम्हें शिकारी के आने की सूचना दी। मैंने अपनी बुद्धि से और तुमने अपने बल से शिकारी को भगा दिया। तो बताओ, मैं हुई ना तुम्हारी दोस्त?
सच्चा दोस्त वही है जो अपने तरीके से अपने दोस्त की मदद करे। शेर बोला, हाँ हम दोनों दोस्त हुए और तुमने वाकई मेरी मदद की। तो बताओ रिया, ये समझ में आया कि सच्चा दोस्त कौन होता है? कहानी सुनने के बाद मुझे यही पता लगा, हमें अपनी दोस्त की मदद करनी चाहिए। और जो अपनी मदद करते हैं और उनके दोस्त भी उनकी मदद करते हैं। तो ये तो थी बहुत अच्छी सी कहानी, पर इस कहानी का नाम हमने सोचा ही नहीं। रिया आज तुम बताओ इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? इस कहानी का नाम होना चाहिए सच्चा दोस्त कौन। हाँ तो ये नाम अच्छा है, सच्चा दोस्त कौन। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार सुनील कुमार लोहिया, ध्वनियांकन बटीलांग लिंदो, आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल।